Moving on now, there is no end to the Madhya Pradesh political drama where one of the four missing Congress MLAs, Hardeep Dang, who was in Bengaluru, has now tendered his resignation. Now, Hardeep Dang was one of those 10 MLAs of the Congress party allegedly taken by the BJP. In his resignation letter, the MLA has stated that he was ignored by the party despite getting people's mandate. And a missing persons complaint too has been lodged in the case of another Congress MLA, Bisahu Lal Singh, who has been missing for the past 3 days. Republic has accessed Bisahu Lal's picture from the Bengaluru hotel. Let's listen into the reactions that we have lined up. देखिए, एक डीजीपी नहीं है। हर प्रकार के कर्मचारी, जिलों के अंदर जितने भी काम करने वाले अधिकारी जो स्वाभिमानी हैं, जो ईमानदार हैं, वो इनके उस पर खड़े नहीं उतरते, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ भी वो भी पीड़ित और प्रताड़ित बोल नहीं पाते होंगे शायद। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार जिस प्रकार से विफल हुई है और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, उसकी परिणति हरदीप सिंह दंग जैसे विधायकों को इस्तीफा देकर के जाना पड़ता है। दिग्विजय सिंह जी के आरोप का खंडन तो खुद उमर सिंगार जी ने किया है, खुद बबलू शुक्ला कर रहे हैं, खुद संजीव कुशवाहा कर रहे हैं, खुद रामाबाई कर रही हैं। और मुद्दा ये है, आप उनके आरोप की तो बात करते हो, उमर सिंगार ने जो आरोप लगाया उस पर बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि ये सब राज्यसभा का मामला है। क्यों दिग्विजय सिंह जी को ही ये पता लग जाता है? क्यों कांग्रेस के दूसरे नेता को या मुख्यमंत्री को पता नहीं लगता कि सरकार में हलचल है? क्यों दिग्विजय सिंह जी के बेटे ही जाते हैं विधायक को छुड़ाने? क्या और कोई मंत्री नहीं है? क्यों वो ये कहते हैं कि 3 विधायकों को हम मध्यांचल से लेके आए? अरे मध्यांचल में कोई रुकेगा क्या आपकी सरकार के भवन में? क्यों वो ये बोलते हैं कि संजीव कुशवाहा और बबलू शुक्ला को पैसे दिए गए और उसका वो खंडन कर देते हैं? ये पूरा का पूरा मामला दिग्विजय सिंह जी की राज्यसभा में जाने का है, अंक बढ़ाने का है। Well, this is coming in as a major political drama that has ensued, where it is expected that more and more MLAs of the Congress party, in an apparent disgruntled and disappointed state, are not very happy with the Kamal Nath government and have been dispersed in different parts of the country, whether be it in Bengaluru or other parts. It is now being said that one of them has tendered his resignation and more are expected to follow suit. Let's move on.